प्रदर्शन, डीलरों की कलाबाजी को लेकर महिलाओं ने जिला आपूर्ति कार्यालय पर किया जमकर प्रदर्शन। राशन डीलरों पर राशन की कलाबाजी को लेकर मामले दिन प्रकाश में आते रहते हैं, लेकिन शासन व प्रशासन द्वारा उन पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती। इसका खामियाजा देश की भोली भाली जनता को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही मामले सामने आया है, जहां मेरठ के फूलबाग कॉलोनी वार्ड 60 में बताया गया कि राशन कार्ड में भारी मात्रा में लोगों के नाम कटने पर विरोध प्रकट किया जा रहा है और गरीबों का निवाला DSO विकास राजेश मेरठ एजेंसी हड़प रही है। लंबे समय से चली रही राशन कार्ड की इस कलाबाजी के चलते आज फूलबाग कॉलोनी की महिलाओं ने मेरठ के MDA स्थित जिला आपूर्ति कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। बाद में जिला विभाग ने महिला को आश्वासन दिया और कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं, यह सभी लोग जन सेवा केंद्र पर जाएं और 100 रुपए खर्च करके अपना नाम जुड़वाएं। राशन कार्ड गरीब लोगों के बनते हैं, लेकिन वह कहां से 100 रुपए खर्च करके अपना नाम जुड़वा पाएंगे, जिसमें कि GSO दफ्तर के सभी कर्मचारी बेवजह ही गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी के साथ जब सभी महिला को अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया, तब कहीं जाकर महिलाओं ने हंगामा शांत किया। आधार कार्ड काटे गए हैं हम लोगों के, ठीक है ना, किसी के घर में 5 थे, 1 रह गया, किसी के घर में 2 कार्ड दिए गए। अब हम लोगों को पैसे दे करके नहीं जुड़वाने हैं। सर ने कह दिया है कि ये हमारे वार्ड में कैंप आयोजित कराएंगे, हमारे दफ्तर में कैंप लगेगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने दिन भी हम लोग कहेंगे ये कैंप वहाँ पर आयोजित करवाएंगे और फिर हम सब लोग 1 by 1 वहाँ पर आकर के और अपना नाम हम इजिली जुड़वाएंगे। मतलब आप लोगों को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की। क्या नाम है? नीरज। हंगामा हुआ है चंडीगढ़ तो, मैं क्या पूरा मामला है, किस चीज को लेकर? मैं पार्षद हूँ वार्ड 60 से, फूलबाग और नेहरू नगर से। ये जितने भी महिलाएं खड़ी हैं, ये सभी महिलाओं के राशन कार्ड, जैसे 5 यूनिट थी तो 4 कार्ड दी, 4 थी तो उनकी 3 कार्ड दी, ऐसे करके इन सब लोगों को परेशान कर दिया। अब इनको ये कहा जाता है कि आप लोग जनसेवा केंद्र पे जाओ और जनसेवा केंद्र पे जाकर के अपने नाम जुड़वाओ, वहाँ पर 100-100 रुपए दो। अब ये मतलब ये यहाँ से बैठ करके काटते रहेंगे और ये महिलाएं जो है अपना जनसेवा केंद्र पे 100-100 रुपए में ये जुड़वाती फिरेंगी। इन्हें क्या यही हिल्ला रह गया क्या भैया? ये सभी महिलाएं हैंड टू माउथ हैं, ये सभी कोई कहीं चौका बर्तन करती है, कोई कहीं कुछ करती है, जब जाके अपना पेट पालते हैं ये, ठीक है ना। और इन लोगों को ये नया काम और मिल गया है कि अपना ये यहाँ से काटेंगे और ये जनसेवा केंद्र पर जुड़वाएंगी जाकर के। पूर्ति अधिकारी से मिले हैं? किससे मिले? पूर्ति अधिकारी से मिले हैं। इन्होंने हमसे ये कह दिया है कि अब हमने इनसे डिमांड करी कि हमारे वार्ड में आप कैंप लगाइए, कोई भी हमारे यहाँ का व्यक्ति जाकर के जनसेवा केंद्र पर अपना नाम नहीं जुड़वाएगा, कोई भी 100 रुपए खर्च नहीं करेगा। अब इन्होंने कहा है कि हम आपके यहाँ पर कैंप लगवाएंगे और वहाँ पर बैठ करके सबके नाम जोड़े जाएंगे। हम लोग संतुष्ट हैं। अभी फूलबाग कॉलोनी के जो महिलाएं आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने अवगत कराया कि उनके अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे कुछ ने ये बताया कि हमको जो है आवश्यक वस्तुएं जो मिलती हैं वो समय से नहीं मिल रही हैं। कुछ में इशू आ रहा था कि जैसे कि मूल्य का, और कुछ में आ रहा था कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो कम हो गई हैं, और कुछ में कि जब हम अंगूठा लगाते हैं मशीन में तो उसमें हमको क्या है कि मिलता नहीं है। और तो इस तरह की ये अलग अलग तरह की समस्याएं। अब जैसे जो व्यक्ति अंगूठा लगा रहा है उसको नहीं मिल, उसका स्कैन नहीं हो रहा अंगूठा, तो हो सकता है कि उसका आधार या तो लिंक ना हो या सीड ना हो, तो उसके लिए हमने उनको बता दिया है कि ऐसी जहाँ पर भी समस्या आ रही है उसको, जिनका आधार नहीं बना है उसे तत्काल अपना आधार बनवा लें, और आधार बनवा के उसको जितना जल्दी हो सके उसको हम कोशिश करेंगे कि सीड हो जाए, ताकि क्या उनके अंगूठा या अन्य उंगलियों को स्कैन करके आधार ऑथेंटिकेशन से उनको क्या आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई जा सके। बाकी और भी जो भी हमें अनियमितताएँ इसमें संज्ञान में आती हैं तो उसमें संबंधित इंस्पेक्टर से इसके बारे में बिल्कुल प्रॉपर जाँच कराई जाएगी और टीम बनाकर भी जाँच कराई जाएगी, और जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे इसमें उनके खिलाफ विधिवत बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो भी समस्या है इसमें, इस मैटर में फूलबाग कॉलोनी की, उसको सॉर्ट आउट किया जाए।